हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गार्लिक चिकन। आइए बना लेते हैं। गार्लिक चिकन बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच तेल, और जैसे ही वो गर्म हो जाएगा उसमें हम डालेंगे गार्लिक। और क्योंकि ये गार्लिक चिकन है इसमें बहुत सारा लहसुन जाता है। ये 10 से 15 कलियाँ लहसुन की थी जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। इसको सॉटे कर लेंगे। जैसे ही हमारा लहसुन का कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन की तरफ आने लगेगा उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन के बल्ब। एक प्याज है जिसको कुछ इस तरह से मैंने बल्ब शेप में काट लिया है। हाई फ्लेम पे इसे सौते कर लेंगे। एक से डेढ़ मिनट में आपके जो अनियन के बल्ब है वो भी ट्रांसल्यूसेंट से होने लगेंगे। इस पॉइंट में हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। आधा किलो चिकन है ये बोनलेस, और साथ ही में ऐड करेंगे बाकी के स्पाइसेस। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच जाएगा अजीनोमोटो। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके बदले में डायरेक्टली सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। दो चम्मच जाएगा टमाटो केचप, दो से तीन चम्मच जाएगा रेड चिली सॉस, आधा चम्मच जाएगा सोया सॉस, आधा चम्मच जाएगा विनेगर। इन सबको मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे चिकन स्टॉक। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आपके लिए ये यूज़फुल टिप है। ये जो चिकन के क्यूब होते हैं बेसिकली मैगी कंपनी के मिलते हैं, चिकन क्यूब इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये भी चिकन स्टॉक क्यूब ही होते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। दो टुकड़ों में तोड़ के डाल दिया है मैंने, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं उसके बाद, क्योंकि चाइनीज़ है और अगर इसमें ये रेड कलर ना हो तो ये खूबसूरत नहीं दिखता, इसमें फूड कलर ऐड कर लेंगे। रेड ऑरेंज कर लिया है मैंने। मिक्स करके इसमें पानी ऐड कर लेंगे और चिकन को इसमें गलने देंगे। इसे ढकेंगे और सारा पानी चिकन का जो है वो सुखा लेंगे जब तक कि चिकन गल भी जाएगा। हमारा चिकन जो है वो पूरी तरह से गल चुका है। इसमें अब ऐड करेंगे कुछ स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स। ज़रा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। आखिर में इसमें जाएगा कॉर्न स्टार्च। दो चम्मच कॉर्नफ्लावर में ज़रा सा पानी ऐड कर लेंगे। घोल लेंगे इसे, वो इसमें ऐड कर लेंगे। कॉर्न स्टार्च ऐड करते ही आपकी जो ग्रेवी है वो एकदम से थिक हो गई होगी। तो इस तरीके से सारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपस में एक दूसरे को बाइंड कर लिया है, तो बिल्कुल रेडी है। उसे फ्लेम से बंद कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। रेडी है हमारा गार्लिक चिकन। ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।